Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, my YouTube family? I'm back with today's Saudi Arabia very important news alert. Saudi Arabia has announced again the lockdown for the country for 24 hours, 1,911 new coronavirus cases, and the taxes has been increased from 5% to 15%. Makkah Medina Haram will reopen. When it will be reopen, I will tell you guys. Let's get started with the news alert. दोस्तों लॉकडाउन के बारे में आपको डिटेल्स देता चलूँ। किंग सलमान ने 29 अप्रैल से लेकर 13 मई तक लॉकडाउन में नरमी कर दी गई थी कि आप लोग सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक बाहर निकल सकते थे, उसमें एक्सटेंशन हो गई है। अब ये एक्सटेंशन हो गई है 22 मई तक आप सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक बाहर जा सकते हैं। फ्रॉम 23 मई टू 27 मई आप लोग बाहर नहीं जा सकते, उस वक्त 24 आवर्स का लॉकडाउन होगा। इवन आप अपने घर के बिल्डिंग के बाहर भी नजर आए तो आप लोगों के ऊपर 10,000 रियाल की पेनल्टी लगेगी। स्टे सेफ। 23 मई से लेकर 27 मई तक 24 आवर्स का लॉकडाउन रहेगा। अगर हिजरी डेट के हिसाब से आपको बताऊँ, तीस रमादान से लेकर 4 शवाल तक 24 आवर्स का लॉकडाउन रहेगा। डेट्स याद कर लें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिकन्फर्म करूँगा। फिर 4 शवाल को जो है होती है 27 मई, उसके बाद जो भी डिटेल्स आएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को रिंग करें ताकि हम जो है आपको टाइम टू टाइम अपडेट दे सकें। अब आप लोगों को दोस्तों कोरोना वायरस की अपडेट दूँ। 1,911 नए कोरोना वायरस के केसेज मिले हैं जो मेजर सिटी से मिले हैं। रियाद से 443, मक्का सिटी से 407, जिद्दा से 306, मदीना सिटी से 176। बाकी सिटी के केसेस भी आप लोगों के सामने स्क्रीन पे मौजूद हैं। 24 आवर्स के दौरान 2,520 रिकवरीज हुई हैं। अगर मैं आप लोगों को टोटल सऊदी अरबिया के केसेस बताऊं तो 42,925 ओवरऑल किंगडम वाइज कोरोना वायरस के केसेस हैं। 15,257 रिकवरीज हैं। 264 मोर्टेलिटीज़ हुई हैं। ग्लोबली तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो कोरोना वायरस के इन्फेक्टेड पीपल हो चुके हैं बाय नाउ। 4 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस के शिकार हो चुके हैं। दोस्तों आप लोगों को एक बुरी खबर बताऊं कि सऊदी अरबिया ने टैक्स को बढ़ा दिया है, 5% को 15% कर दिया है। अब जुलाई 1 से हर चीज़ पे 15% आपको टैक्स भरना पड़ेगा। इसीलिए अगर आपको कुछ चीज़ें लेनी है या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, घर की एसेसरीज या कुछ भी, तो प्लीज़ पहली जुलाई से पहले ले लें, क्योंकि उसके बाद हर चीज़ पे टैक्स 15% हो जाएगा। ये बहुत ही अफसोस की बात है और बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस वैसे ही सऊदी अरबिया में लोग परेशान हैं और ऊपर से नए टैक्स लगा दिए हैं और वो भी 15% टैक्स बहुत होता है। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करें। दोस्तों आपको एक और अपडेट दूँ, काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मक्का मदीना हरम खुल गया है। पाकिस्तान से काफ़ी लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि फेक न्यूज़ चल रही है ये वो, कि हरम खुल गया, नमाज़ें पढ़ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता चलूँ, अब्दुल रहमान सुदेस इमाम मक्का ने हुक्म जारी किया है कि हम लोग तैयारियां कर रहे हैं, बहुत जल्द खोल दिया जाएगा, पर खुला नहीं है। हरम में जो नमाजियों को आप देख रहे हैं तो वो हरम के अपने ही एम्प्लॉइज़ हैं और हरम के काम करने वाले लोग हैं, जिनको जो है इजाज़त दी गई है कि आप हरम में नमाज़ अदा करें या कभी कभार आप उनको तवाफ़ करते हुए देखते हैं। दोनों हरम, मक्का मदीना दोनों अभी भी बंद हैं, पर यस जो है वो सैनिटाइज़र डोर लगाए जा रहे हैं, बहुत कोशिश की जा रही है। अब्दुलरहमान अलसुदेस ने कहा है कि बहुत जल्दी हम लोग मक्का मदीना हरम खोल देंगे। दोस्तों सऊदी अरबिया लेटेस्ट न्यूज़, ऑफिशियल और ऑथेंटिक न्यूज़ अलर्ट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे हम लोगों को ऑफिशियल और ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती है तो ही हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें हमारे साथ जुड़े रहें, हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं, प्लीज़ फॉलो अस। आई विल सी यू गाइस वेरी सून विद लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव अलर्ट न्यूज़। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानुल्लाह।